आज हम चोवे की पूरी तैयार कर रहे हैं। चोवे की पूरी के लिए सूखा नारियल का बारीक चोवा, चीनी, इलायची पाउडर 3 को भी मिलाएंगे एक बार। मैदा का आटा थोड़ा पानी डाल के मैदे का आटे को मिलाएंगे। एक चम्मच तेल मिलाएंगे। दस मिनट के लिए ये आटे को कटोरे से मुच के रख देंगे। चोवा शक्कर में हमें एक चम्मच घी डालेंगे। एक बार फिर मिलाएंगे। एक एक बेलने से बहुत सारा टाइम लगता है ना, इसलिए हम बहुत बड़ी छीन रख के उस पर पूरा आटा रख दे के बड़ी रोटी के जैसा बेलेंगे। एक एक बेल के बना, एक एक बेलने से बहुत टाइम लग जा रहा है, इसलिए हम कटोरा रख के बहुत लंबी रोटी बेल दी है। हमें एक एक काट दे रहे हैं ऐसा कटोरा रख के ऐसा एक एक करके। ऐसा उंगले से मुदरते जाना। ऐसा चोवे की पूरी क्लोज करना। फिर एक बार धुरा से उंगलियां से दबाते एक एक करके धीरे धीरे से उंगलियां से इस तरफ पकड़ के उंगली एक बीच में रखकर ऐसा दबाते धीरे धीरे से उंगलियों से रोटी को अच्छा दबाते जाना। एक से दो बार चेक करना। ठीक, पूरी एक एक डालकर तलेंगे। पूरी तैयार हो गई। एक एक करके पूरी डाल देना पड़ेगा। तेल ज़्यादा गर्म होने से जल्दी
लाल हो चुकी है और इसलिए आँच वीडियो पसंद आने से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।